go and just listen. माना कि तुम फ्रीलांस हो, और कुछ कमी भी होती है, सलाम भी कर देता। सर, सलाम का मतलब होता है किसी पे रहमतें और बरकतें नाजिल करने की दुआ। अब मुझे यकीन है कि कुछ देर बाद आप मुझे इतनी गालियां देने वाले हैं कि मैं आप ये दुआएं नाजिल करने का सोच भी नहीं सकता। क्या मतलब, आज भी तुम्हारे पास कोई नया चेहरा नहीं है? सर, ले देखे कि मनहूस चेहरा है बस। ये वो चेहरा जिसको मैं हजारों बार लानतें दे चुका हूँ। यही अफसोस है सर, आप सिर्फ लानतें ही भेज सकते हैं। उस लानत की वजह से इस मनहूस चेहरे पे बरसती फिटकार में रोजाना इजाफा हो रहा है सर। प्लीज, अगर इस लानत के साथ साथ नोटों की एक गड्डी भी इनायत कर दें तो। आप बकवास बंद कीजिए और कैमरा उठाइए और जाएं, कोई तलाश करें, हसीन और फ्रेश चेहरा जाके तलाश करें। सर, वो गाना सुना आपने? नो बकवास, इससे पहले कि एक्सप्रेस वे में सर पे मारूं, यू गेट आउट। ठीक है सर, लेकिन थोड़े से अगर आई सेड गेट आउट। सर सर सर, काम होता है सर। तुम जी? थोड़ी देर बाद। थैंक यू। हाय, आई एम मोदी। आप कोई भी हो, लेकिन ये मेज मेरा है, उठो। और अगर नहीं उठा तो? क्या मतलब, क्यों नहीं उठोगे? ठीक है, उठ जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। माय गॉड, मेरी ही मेज मुझे ही वापस करने के लिए सर? नो वे। उठोगे कि बुलाऊं वेटर को? नो थैंक्स, मैं इज्जत से उठना ज्यादा प्रेफर करूंगा। शुक्रिया। I'm a DJ.
So let me go and just listen. आइए आइए, रुकिए नहीं, प्लीज बैठिए ना। शट अप, तुम्हें मालूम है मुझे ये मेज पसंद है, तभी तो मैं कह रही हूँ ये लोग ये टेबल क्यों नहीं रिजर्व करवा रहे हैं। एक्चुअली ये टेबल मैंने आपके लिए रिजर्व करवाई है। व्हाट? जी हाँ, आपने कल मुझे जाने के लिए तो कह दिया था, लेकिन जाते जाते मैंने सोचा कि ये टेबल आपके लिए रिजर्व करवाऊं। प्लीज Have a seat. Actually, ये रिजर्वेशन आपके लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। Really? आप कल क्या कह रहे थे? Actually, मैं क्या एक छोटा सा फोटोग्राफर हूँ, अगर आप मेरे साथ एक फोटो सेशन करवा लें तो। नहीं, no thanks. मुझे पसंद नहीं है। देखिए प्लीज इनकार मत कीजिएगा आप, कुछ तस्वीरें, सम पिक्चर्स प्लीज प्लीज। फाइन, मगर मेरा एक शर्त होगा। मुझे हर शर्त मंजूर है आपकी। सोच लो, मैं कह भी सकती हूँ कि तुम मुर्गा बन जाओ। मैं मुर्गा भी बन जाऊंगा आपके लिए प्लीज, लेकिन मेरी बात मान लें आप प्लीज। फाइन, मेरी शर्त ये है कि तुम मुझे कराची की खूबसूरत जगह पर ले जाओगे, और जो जगह मुझे पसंद आए वहीं पर होगी फोटोशूट। ओके, मंजूर। अब ये बताइए कि आपने अभी तक कराची की कोई जगह नहीं देखी क्या? ऑलराइट, मैं आपको एक एक जगह दिखाऊंगा, लेकिन आपने अपने वादे पे कायम रहना है। आई मीन यू हैव टू कीप योर प्रॉमिस, राइट? खांस लो, खांस लो, खांस लो। ये क्या है मोदी? ये है एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैलेस। ब्यूटीफुल पैलेस? यस। ब्यूटीफुल तो क्या, मुझे यहाँ पैलेस भी नजर नहीं आ रहा। इतनी खूबसूरत जगह है, देखो ये गंदे बच्चे, धुआं, मिट्टी, तुम्हें कहीं और मिलेगा? तुम्हारे मुल्क में जो एक मेट्रोपॉलिटन शहर है उसमें कभी ऐसी चीजें होती हैं? तुम अपने मुल्क के खुद इतने क्रिटिसाइज करते हो। मैं तो वो बोल रहा हूँ जो सच है, बताओ सच नहीं है क्या? मोदी, ये तुम मुझे किधर ले आए हो? बसों की धुएं से तो मेरा, माय गॉड। ये हमारे शहर की बहुत मशहूर फूड स्ट्रीट है, यहाँ खाने के लिए इतना कुछ मिलता है, अगर थोड़ा सा धुआं मिल जाए तो क्या हो गया यार? मोदी, मैं इधर रिलैक्स करने के लिए आए हूँ, ये सब देखने के लिए नहीं। कराची में कोई भी ऐसे कोई भी दूसरी खूबसूरत जगह नहीं? चिड़ियाघर है, ले चलूं? वहाँ तो बहुत सारे जानवर होंगे ना? हाँ हाँ, बहुत सारे जानवर हैं, एक शेर है, एक मरियल सा भालू है, एक अजदा है भूख से जो हिल भी नहीं सकता बेचारा, एक हिरन है, चार चिंपैंजी है, एक मैं और एक तुम। शट अप, मैं और तुम क्यों? भाई उस वक्त तो होंगे ना, कहीं और चलो प्लीज मोदी। तुम होटल में एक दिन में जितने पैसों का खाना खाती हो ना, यहाँ पूरा एक महीना भी खाओ तो पैसे बचेंगे, क्या ख्याल है? ऑर्डर दो प्लीज मोदी, चलो यहाँ से। कहाँ? किसी और ब्यूटीफुल प्लेस पर। और ब्यूटीफुल प्लेस? इसका मतलब है कि तुम्हें ये जगह भी फाइनली ब्यूटीफुल लग ही गई। मेरे तुम्हारे ख्याल कितने मिलते जुलते हैं हमेशा। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अच्छा ठीक है, ला सुनो, एक दफा बुलेट मुझे देखो। देखो, मुझे तुमको कोई तस्वीर नहीं देनी। क्यों? क्यों नहीं देनी? क्योंकि तुमने मुझे इतनी गंदी जगह पर ले जाकर मुझे इरिटेट किया। अच्छा, आहिस्ता बोलो नहीं तो लोग समझेंगे मैं तुम्हें नेपियर रोड पे लेके गया था। तुम दफा हो जाओ,
वरना मैं शिकायत करूंगी हां होटल मैनेजर से. क्यों, क्या किया मैंने? एंड यस, डोंट चेज मी. सो लेट मी गो एंड जस्ट लिसन. एक जगह दिखाना भूल ही गया तुम्हें. कौन सी जगह? एक पूल है, उसे बहादुर शाह जफर ने अपनी बीवी रीमा को उसकी 48th बर्थडे पे तोहफे में दिया था, वो दिखाना है. बहादुर शाह की बीवी रीमा? हाँ हाँ, तुम्हें नहीं पता? कोई भी हो लेकिन ये मेज मेरा है, मगर मेरा एक शर्त होगा. मुझे हर शर्त मंजूर है. सोच लो, मैं कह भी सकती हूँ कि तुम मुर्गा बन जाओ. कैंडल बुझ जाएगी. कैंडल कहाँ है? कैंडल क्या पकाया है? आलू का सालन और कल की बची हुई सब्जी. चलो उठो खाने चिकन चाउमीन बिरयानी खाने. क्या कहा था उसने? बहादुर शाह जफर रीमा की मियाँ. नहीं नहीं, रीमा बहादुर शाह की बीवी. क्या कहा था? क्या एक्सक्यूज मी जी, आप बहादुर शाह को जानते हैं? जी हाँ, कोई कंप्लेन उसकी? नहीं नहीं, बहादुर शाह जफर. हाँ हाँ, मैं सबको जानता हूँ. उनकी बीवी रीमा को भी जानते हैं? रीमा ने शादी कर ली? आपको नहीं पता? कहाँ जी, ये लोग ये बातें मन रहे हम पे कहाँ आने देती हैं. आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं तारीखी बातें कर रही हूँ. वो बादशाह, वो बहादुर जफर शाह, वो बादशाह. रीमा ने उनसे शादी कर ली? आप किस रीमा की बात कर रहे हो? लो जी, आप रीमा को नहीं जानती? पाकिस्तान की नंबर वन हीरोइन है. क्या? क्यों भाई,
अजीब मखरोट दिमाग की लड़की हो, क्या किया मैंने? मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। क्या बकवास है? ना ना ना, नहीं बकवास नहीं है, रफी साहब का गाना है, मेरा फेवरेट। अच्छा ये बताओ तुम कल कहाँ कहाँ जाओगी ताकि मैं गलती से भी उस जगह पे ना पहुंच जाऊँ। हाँ, और अपनी फैसले पर कायम रहना। ठीक है, अगर इनमें से किसी भी जगह पे मैं गया तो मेरा नाम मोदी नहीं, लेकिन एक बात, मैं देखो पूरा दिन अपने आप को बाउंड करके नहीं रख सकता, इसलिए मुझे एग्जैक्ट टाइम बताओ ताकि मैं उस वक्त पे वहां ना पहुंच सकूं। मैं 4 बजे ओल्ड ग्रेवयार्ड जाऊंगी, और तुम्हें क्या लेना देना। ओके, नहीं पहुंचूंगा, जाओ बाय। ओके, ना स्टूपिड लड़का है, हर वक्त मुझको बेवकूफ बनाता रहता है। शायद मुझे बेवकूफ नहीं, नहीं वो बहुत अच्छा है। लेकिन ये किसके फोटो सेशन कर रहे हैं? अरे ओ मिस्टर फोटोग्राफर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने यहाँ 4 बजे नहीं आना था कि तुम क्यों पीछे पीछे आ जाती हो मेरे हर जगह, क्यों पीछा कर रही हो मेरा? शट अप। अरे किसके तस्वीरें बना रहे हो तुम? जो साफ नजर आ रहे हैं ना तुम्हें, ये कल तक टॉप मॉडल थे, बस मुझे फोटो खिंचवाने से मना किया और इस साल तक पहुंच गए। शट अप। आई स्वेयर, उसके बाद मुझसे मिन्नतें करते रहे कि किसी तरह मैं उनकी एक तस्वीर खींच लूं ताकि इस हाल से निकल आए, मैं मानता ही नहीं था। फाइनली आज मैंने इनको टाइम दे दिया, अब देखो हो रहा है फोटो सेशन, क्या होता है। तुम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो, इसलिए तुम्हारा शक्ल भी ऐसा है। एक्सक्यूज मी, मेरी शक्ल आपसे बहरहाल बेहतर है, आईना देखेंगे नजर आ जाए। मोदी यू सो लेट मी गो एंड जस्ट लिसन। अम्मा अम्मा कहाँ है, जल्दी आए। पता चलना भी चाहिए। हाँ ये है मेरी अम्मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीती रहो बेटा। और अम्मा कौन ये है? निशा। कौन है बेटा ये? अम्मा खुदा की कसम कुछ नहीं पता कि ये कौन है, कहाँ से आई है, कहाँ रहती हैं, इस स्वेयर में कुछ नहीं जानता वाकई, इसके बारे में मुझे एक लफ्ज नहीं पता। बस एक दफा होटल में देखा था, उस वक्त से पीछे पड़ा हुआ कि फोटो सेशन करा ले बीबी, खुदा का वास्ता, लेकिन मजाल है जो यहाँ कहते। अब आप हैं जो इसे मनाएंगी, प्लीज बैठिए बैठिए, अपना ही घर समझे इसको। हर चीज को कारोबारी नजर से नहीं देखते, कहीं रिश्ते बनाते हैं और कहीं रिश्ते निभाते हैं। आप बहुत अच्छी हो माँ। आप भी बहुत अच्छी हो बेटा। कहाँ रहती हो? मैं नेपाल से आई हूँ और होटल में रहती हूँ। लो माँ कहती हो और माँ के घर के होते हुए होटल में रहती हो, ना ये अच्छा नहीं। शाबाश माँ, इसी तरह घी तेल में उतारती रहें और प्लीज इसको कह दें कि फोटो सेशन पे मान जाए प्लीज। अच्छा तुम जाओ यहाँ से दफा। बता दूँ अम्मा को क्या कहने वाली हो तुम? अम्मा ये कह रही थी कि अरे तो तुम तंग ही इतना करते हो। अच्छा जाओ तुम बाजार जाओ और चिकन और दही लेकर आओ, मैं अपनी बेटी के लिए अपने हाथ से चिकन कोरमा बनाऊंगी। जी ठीक है। मैं खाएगी, जरूर खाएगी। ये होटल के खाना खाकर तो मेरा मुंह बदमजा हो गया ना। हाँ बस एक निवाला और खा लो। बस माँ मेरा पेट भर चुका है, बहुत मज़ा आया, इतनी मज़े की तो मेरी माँ भी नहीं बनाती।
बस एक और निवाला खा। बस माँ मेरा पेट भर गया। खा लो ना, खा लो। नहीं माँ। और जो मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है इतने प्यार से। बस माँ पेट भर चुका है, और सच कहूँ तो आपके हाथों के पिलाए हुए पानी में भी मुझे प्यार महसूस होता है। हर जगह, दरवाज़ों पर, खिड़की पर, हर जगह प्यार महसूस होता है। मेरी उर्दू उतनी सही तो नहीं है, ऑल आई मीन टू से इज़ दैट मुझे हर जगह आपके प्यार महसूस होता है। बड़ी बात है भाई, वरना हमारे लिए तो अम्मा के पास बस जूते ही हैं। नसीब अपना अपना। माय गॉड, लुकिंग सो ब्यूटीफुल। बहुत अच्छी लगी। अब तो मेरी तस्वीर जरूर है, चाहे आपको अच्छा लगे। तुम जाओ यार, सुबह से मेरी इतनी अच्छी हो। माँ कहा ना तुमने अभी, तो प्लीज तुम्हें इस माँ का वास्ता एक तस्वीर खिंचवा लो प्लीज। ओके, नाउ यू कैन टेक आवर फोटोग्राफ लाइक दिस। Okay. I'm just bring my camera, right? I see that. ये तुम्हें कहां पे मिली? क्या तुम इसे मॉडल बना रहा? कितने दिन हो गए सर, मैं इसके पीछे लगा हूं, इतने आराम से नहीं है। चेंज करो आपको। यस हाँ, थोड़ा बॉडी आगे लेकर आओ। यस, ब्रॉड स्माइल, बिग वन, बिग वन, बिग स्माइल। यस, टर्न टर्न टर्न, या दैट्स वेरी गुड। या हाँ, ये और हाथ जरा सा उठा वाला। ये दिस वेरी गुड, एंड गिव अ गुड स्माइल। मैं सिर्फ ये जानता हूं सर कि इसका नाम निशा। क्या तुम इस लड़की को हमारी नई कैंपेन के लिए बुक कर सकते हो? सॉरी सर। क्या मतलब? मतलब ये कि इसकी तस्वीरें खींचते खींचते मेरा दिल भी इसकी तरफ खींच गया।
ये तस्वीर आपकी नई कैंपेन के लिए नहीं, मेरे कमरे की दीवारों के लिए। खुदा हाफिज़। पागल। जिब्रान देखो ये चेक करो, ये निशा अधिकारी किस होटल में ठहरी हुई है और मुझे 10 मिनट में बता, अर्जेंट। जी हनी साहब, वो मिस नेपाल का अवार्ड लेने के बाद वो मीडिया और प्रेस से तंग आकर नेपाल से कहीं चली गई थी, मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि निशा अधिकारी कराची में मौजूद है। आंखें खोल के रखने से ही तो नए चेहरे नजर आते हैं। आप क्या ख्याल है, आप क्या कहते हैं इसको, आप ये नई कैंपेन के लिए डन करूं? ओह यस ऑफ कोर्स, इट्स गोइंग टू बी द वन ऑफ द बेस्ट। Okay, take care. Bye. I try my level best. Excuse me. Nisha, check out kar rahi hai kya hotel se? Nisha, aap Miss Nepal ki baat kar rahe hain? Nahi nahi, Miss Nepal kaun? Main Nisha ki baat kar raha hu. Nisha Nepal se aayi hai wo bhi? Ji, sir, wohi Miss Nepal hai. Aur aaj niche auditorium mein apne premiere show pe gayi. And gentlemen, may I have pleasure to introduce Miss Nepal Nisha Adhikari. प्रोफेशनल मॉडल्स की तरह पोज दे रही होती है। अब नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि मेरी एक शर्त है, तुम मुझे कैंडल लाइट डिनर पे ले चलोगे। कम ऑन यार,
मांगा भी तो कैंडल लाइट डिनर, चांद सूरज आसमान मांग। ओके कराऊंगा कैंडल लाइट डिनर। कैरी ऑन। तो कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। निशा तुम्हें मैं याद ही कर रही थी। माँ जरा मोदी को बुला देना प्लीज। मोदी? मोदी तो पता नहीं बेटा आजकल कहाँ गायब रहता है। मुझको भी नहीं मिल रहा है। कल शाम शूट खत्म होने के बाद से ही मैं उसे ढूंढ रही हूँ। मोबाइल भी ऑन नहीं करता। कोई खास काम? मैं कल नेपाल जा रही हूँ। मामा प्लीज उनसे कहिए कि वो आज रात को मुझसे आकर मिले। अच्छा वो रात को आएगा तो मैं कॉल बैक कराऊंगी। थैंक यू मामा। तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती है। क्या बकवास है? ना 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 नहीं बकवास नहीं है, रफी साहब का गाना है मेरा फेवरेट। कैसा लगा फुटबॉल में? मुझसे मौसम के बारे में बात करो मोदी। मैं तुमसे बात ही नहीं करता था। वैसे ये बताओ तुम्हें हम कैसे लगते हैं? मेरी माँ, मेरी माँ तुम्हें कैसी लगती? तुम हमेशा से ही ऐसे ही हो और पोस्ट कर रहे हो। अपनी उर्दू ठीक कर लो उसके बाद मैं तुम्हें पोस्ट नहीं तो पोस्ट करूँ। क्या हुआ? तुमको पता भी है मैं कौन हूँ? साथी लड़की, हाँ मैं जानता हूँ तू मेरी मंतजर है।
झील सैफुल मलूक पर, जहां परियां नाचती हैं, तू भी तो एक परी है। फिर मैं सोचता हूं, मैं अलग दुनिया का लड़का हूं, तुझे अपने साथ ले जाऊंगा, साथ ले जाऊंगा, साथ ले जाऊंगा। अरे ओ मिस्टर फोटोग्राफर, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुमने यहां 4 बजे नहीं आना था कि तुम क्यों पीछे पीछे आ जाती हो मेरे हर जगह, क्यों पीछा कर रही हो मेरा? शट अप। अरे तुम किसकी तस्वीरें बना रहे हो? तुम जो साफ नजर आ रहे हैं ना तुम्हें, ये कल तक टॉप मॉडल थे, बस मुझे फोटो खिंचवाने से मना किया और इस साल तक पहुंच गए। शट अप। आई स्वेयर, उसके बाद मुझसे मिन्नतें करते रहे कि किसी तरह मैं उनकी एक तस्वीर खींच लूं ताकि ये साल से निकल आए, मैं मानता ही नहीं। फाइनली आज मैंने उनको टाइम दे दिया। अब देखो हो रहा है फोटो सेशन, क्या होता है? तुम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो, इसलिए तुम्हारा शक्ल भी ऐसा है। एक्सक्यूज मी, मेरी शक्ल आपसे बहरहाल बेहतर है, आईना देखेंगे उसमें नजर आए शायद। मोदी यू एनिमल शरीर साथी लड़की, ऐ मेरी शरीर साथी लड़की, हाँ मैं जानता हूं तू मेरी मंजिल है। फिर मैं सोचता हूं, मैं अलग दुनिया का लड़का हूं, तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। So let me go and just listen. कहां रहते हो आजकल? फोन भी बंद रखते हो, चली गई ना अब तो वो। बात क्या है मोदी, तुमने निशा को अवॉइड क्यों किया, क्यों नहीं मिले उससे? क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा? आखिर क्या किया उसने तुम्हारे साथ? कुछ नहीं। कुछ तो है, बच्चों की हालत कभी मां से छुपी नहीं रहती, अगर औलाद छुपाना भी चाहे तब भी नहीं छुपती। सच बोलो,
उसने क्या तुम्हें ठुकरा दिया? मैंने उसे कभी ये कहा ही नहीं। तो फिर तुम उसको क्यों कसूरवार ठहराते हो जब उसको कुछ मालूम ही नहीं? बता के भी क्या करता? बता देते तो शायद। नहीं मां, बहुत ऊंचे कद की है, मेरी हैसियत उसके सामने ऐसे ही है जैसे किसी बहुत ऊंची बिल्डिंग के सामने कोई छोटा सा पान का केबिन। दुनिया में कभी कभी ऐसा भी होता है, जिंदगी कभी एक रंग पे खत्म थोड़ी हो जाती है। एक तो वो मुसलमान भी नहीं थी और तुम्हारे उसके दरमियान कोई एक फासला थोड़ी था, कई फासले थे। हाँ माँ, मगर मुझे वो सिर्फ ये बता देती कि वो मिस नेपाल है तो ये फासले में कभी खत्म होने ही नहीं देता। कभी जो हुआ उसे खुदा की मसलत समझ के भूल जाओ और अब मुस्कुरा दो मेरे बच्चे। और मैं तुझे भी जानती हूँ, तेरे दिल को भी जानती हूँ। देख लेना, फिर कोई लड़की करीब आएगी और तू सब भूल जाएगा। मुझे उसे सचमुच का प्यार हो गया था, मेरा दिल बहुत दुखा। मेरी दुआओं को भूल गया जो हमेशा तेरे दुखों के आगे ढाल बन जाती है? फौरन अब मैं बेहद हसीन लड़की से तेरी शादी कर दूंगी जो अपनी मोहब्बत में तेरा सारा दुख भुला देगी। एक दिन तो उसको हंस हंस के बता रहा होगा, एक थी लड़की नेपाली। ऐ मेरी शरीर साथी लड़की, हाँ मैं जानता हूँ तू मेरी मुंतजर है। झील सैफुल मलूक पर जहाँ परियां नाचती हैं, तू भी तो एक परी है। फिर मैं सोचता हूँ मैं अलग दुनिया का लड़का हूँ, तुझे अपने साथ ले जाऊंगा, साथ ले जाऊंगा, साथ ले जाऊंगा।